दुनिया के अजीबोगरीब जानवरों के बारे में तो आपने खूब सुना और जाना होगा, जिनका आकार, रंग, रूप, चाल ढाल काफी अलग और इंटरेस्टिंग होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने आसपास मौजूद जानवरों के बारे में जानने की कोशिश की है, या उन जानवरों के बारे में जो हमारे और आपके लिए बहुत आम है, जैसे कि तोता, हाथी, कबूतर, जिराफ, ब्लू व्हेल, छछुंदर। आप इन सभी जानवरों को नाम से तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन शायद ही आपको इनसे जुड़ी कुछ खास बातें पता हो, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और अनबिलीवेबल भी। तो आइए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं जानवरों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। सबसे पहले आता है पैरट, यानी कि तोता। इसके बारे में तो छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा कि तोता बोल सकता है, हरे रंग का होता है, लाल चोंच होती है, लेकिन इससे हटके तोते में ऐसा क्या खास है, ये हम आपको बताएंगे। वेल, तोता बोल सकता है, सिर्फ बोल ही नहीं सकता बल्कि 4 से 5 साल के बच्चे की तरह आपसे बातें भी कर सकता है। लेकिन ऐसा तोता सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है, जिसकी रंग सलेटी होता है। हम इंसानों की तरह ही तोते का वजन भी बढ़ता है, यानी कि उसे भी मोटापा चढ़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ तोते के उड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लंबी से लंबी दूरी को भी वो कम समय में तय कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि तोते के उड़ने की गति लगभग टाइगर के बराबर होती है। इंसानों के ही समान तोता एक लंबी उम्र तक जीवित रह सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे उम्रदराज तोता 82 साल का था, जिसका नाम था कुकी। कुकी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। नंबर 2 पर बात करते हैं ब्लू व्हेल के बारे में। जब ब्लू व्हेल का नाम आता है तो सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक और भारी जानवरों में से एक है। लेकिन इसके अलावा ऐसी कई बातें हैं जो काफी ज्यादा खास हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल का दूध इंसानी दूध से 10 गुना ज्यादा फैटफुल होता है? जी हाँ, ये सच है कि ब्लू व्हेल का दूध सबसे ज्यादा फैट से भरा होता है। तो वहीं ब्लू व्हेल 2.5 टन के बच्चे को जन्म देती है और हर घंटे उसके वजन में 8 पाउंड की बढ़ोतरी होती है और रोजाना वो 1.5 इंच बढ़ता है। ब्लू व्हेल का बच्चा अपनी माँ का 200 से 300 लीटर पर डे तक दूध पी जाता है। साथ ही बात अगर ब्लू व्हेल की उम्र की जाए तो ब्लू व्हेल की उम्र लगभग 60 से 70 साल तक की होती है। ब्लू व्हेल तकरीबन 90 दिनों तक जाग सकती है और साथ ही जब वो सोती है तो उनका दिमाग आधा जगा रहता है और आधा सोया रहता है। इसलिए कभी भी ब्लू व्हेल को पूरी तरह से सोता हुआ समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बर्ड्स के बारे में, यानी कि चिड़िया। हम में से अक्सर कई लोग जब भी किसी अनजान रास्ते जाते हैं तो रूट देखने के लिए हमारे पास नेविगेशंस, मैप्स, जीपीएस, लोकेशंस होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई बर्ड्स हैं जो बिना किसी मैप को देखे हजारों मील का रास्ता बड़ी आसानी से तय कर लेती हैं? वो अपने आप में ही इतनी स्मार्ट होती हैं कि उन्हें अपने रास्ते खुद ब खुद याद हो जाते हैं। कुछ चिड़ियाएं जैसे कि आर्कटिक समुद्री पक्षी हर साल कम से कम 25,000 मील तक का एक राउंड ट्रिप लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने रास्ते को भूलती नहीं। इसके बाद आता है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ को दूर से देखने में ही सब अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि गलती से भी अगर कोई उसका शिकार बन गया तो बचना मुश्किल है। खैर, मगरमच्छ बेहद खतरनाक है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मगरमच्छ के पेट में हमेशा एक पत्थर रहता है, जिसे वो जानबूझकर स्वेलो कर लेते हैं? मगरमच्छ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पत्थर मगरमच्छ को तैरने में मदद करता है। वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मगरमच्छ का सबसे पसंदीदा खाना इंसान का शरीर है। वेल, जीव जंतु और बड़े जानवरों से भी ज्यादा मगरमच्छ मनुष्य को खाना पसंद करता है।
साथ ही आपने एक कहावत भी सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू की। जब भी हमें लगता है कि कोई झूठ मूठ में रो रहा है तो हम उससे कह देते हैं कि मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तो ये कहावत भी यहीं से बनी है। दरअसल खाना खाते वक्त मगरमच्छ की आंखों से आंसू निकलते हैं और ये उसका छल करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ को मजबूरी में या जबरदस्ती में खाना खाना पड़ रहा हो, बल्कि ये सब वो अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए महज एक जाल बुनने के लिए करता है। वही मगरमच्छ एक ऐसी इकलौती प्रजाति है जो पृथ्वी पर 24 करोड़ सालों से है और लगभग हर जगह पाई भी जाती है। अब बारी है जिराफ के बारे में कुछ बातें जानने की। दोस्तों, आप में से कई लोग चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। वहाँ सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट शेर के बाद अगर किसी जानवर को देखने की होती है तो वो है जिराफ। लंबी गर्दन, ऊंचा आकार जिराफ की खासियत है। लेकिन इस बीच क्या आपको ये पता है कि जिराफ का ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? दिमाग तक खून पहुंचना बेहद जरूरी है, तो आखिर कैसे पहुंचता है जिराफ के दिमाग तक खून? क्योंकि लंबाई की वजह से अक्सर खून को दिमाग में पहुंचने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन जिराफ में ये प्रोसेस होता है सिर्फ डबल पंपिंग के जरिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह गाय के केस में होता है। दो बार पंप होने के बाद ही खून जिराफ के दिमाग तक पहुंच पाता है। वहीं जिराफ की एक खासियत और है, अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। जिराफ के पैरों से किया गया एक ही वार शेर के वार से भी खतरनाक साबित रहता है। वहीं आपको बताते हैं अब हम छछुंदर के बारे में। सांप और नेवला ही नहीं बल्कि बड़े से बड़े जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर छछुंदर से खौफ खाते हैं। भारतीय संस्कृति के मायनों में छछुंदर को लक्ष्मी तक माना जाता है। ये शायद ही आपको पता हो कि छछुंदर एक शानदार सफाई कर्मी के रूप में बेहतरीन काम करती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसर्च के अनुसार ऐसा माना गया है कि छछुंदर घर में मौजूद जीव जंतुओं ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया को भी खा जाती है, जिससे आपके घर में बीमारियां कम रहेंगी। लेकिन उससे अलग बात ये भी है कि छछुंदर अपने आप में ही एक खतरनाक जीव है, इसलिए घर में मौजूद खाने पीने का सामान उसकी पहुंच से बचाकर रखना भी बेहद जरूरी है। दरअसल छछुंदर का सलाइवा काफी जहरीला होता है, जो खाने में अगर पड़ जाए तो काफी खतरनाक साबित होगा। छछुंदर तकरीबन 10 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। अब हाथी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। हाथी ऑलमोस्ट सबका फेवरेट एनिमल होता है, स्पेशली बच्चे तो हाथी के बारे में जानना, उसे देखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारी भरकम शरीर होने के साथ साथ हाथी के पास भारी भरकम दिमाग भी होता है? वेल, जी हाँ, हाथी के पास बाकी जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा वजनदार दिमाग होता है, लगभग 11 पाउंड का। मनुष्यों और जानवरों की इंटेलिजेंसी को मेजर करना काफी कठिन है। हाथी का एवरेज EQ 1.8 होता है, जबकि इंसान का 7.33 से 7.69 तक। ऐसा कहा जाता है कि हाथी ज्यादातर चीजों को भूल जाते हैं और उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हाथी की मेमोरी काफी चुस्त होती है। वहीं इतने सारे अतरंगी और अजीबोगरीब क्रिएचर्स के साथ जहां एक ओर पृथ्वी इतनी सुंदर दिखती है, तो वहीं दूसरी ओर ओशन में एक अनोखा प्रोसेस देखा जाता है, सेक्स ऑर्गन चेंज करने का। जी हां, फिशेस की कुछ प्रजातियां हार्मोनल चेंज के चलते सेक्स ऑर्गन चेंज कर सकती हैं, जो अपने आप में एक अनसुना फैक्ट है। तो ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन फिर भी उनके अनकहे अनसुने फैक्ट्स उन्हें और भी अमेजिंग बनाते हैं, जो कि हमने आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एनिमल से जुड़ी कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनिमल वाइंस।